आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आज तुलसी जी की पूजा भी करनी है, तो मुझे लगा आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं अपने पूजा के बर्तनों को कैसे क्लीन करती हूँ। तो ये है पीतांबरी, इससे मैं अपने तावे के और पीतलों के सारे बर्तनों को डेली क्लीन करती हूँ पूजा करने से पहले। जिन लोगों ने पीतांबरी यूज़ की उनको पता होगा कि मतलब बहुत ही बिना एक कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, ना बहुत मेहनत लगती है, और बहुत ही आराम से हम इन बर्तनों को साफ़ रख सकते हैं। और आप लोग भी मे भी शायद पीतांबरी का ही यूज़ करते होंगे, मोस्टली घरों में इसी का यूज़ किया जाता है। अगर और भी कोई तरीका हो पीतल या और तावे के बर्तन साफ़ करने का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मुझे सिर्फ यही पता है कि पीतांबरी से बर्तन ये ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। मैं पीतांबरी को हाथ से ही रब कर रही हूँ। वैसे आप लोग कोई मतलब बर्तन साफ़ करने वाले जो जूने होते हैं उनसे कर सकते हैं, पर मैं पूजा के बर्तन हाथ से ही क्लीन कर लेती हूँ। देखिए बातों ही बातों में ही कितना नया जैसे लगने लगा है, लग रहा है लोटा जैसे मैं अभी ख़रीद के लेके आई हूँ, बिल्कुल न्यू जैसे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे पूजा के हो गए हैं वॉश, इनको अब मैं ले जाऊँगी अपने मंदिर में। तो अगर ना बर्तनों को ऐसे ही वॉश करके अगर रख दिया जाए ना, पीतल के या स्टील के बर्तन, तो उसमें दाग से छूट जाते हैं। तो मैं इनको पहले पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ कि जो भी पानी है वो पूरा चला जाए। और पूजा की थाली मुझको सजानी है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तुलसी जी की पूजा भी होनी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है। तो ये तो मेरे डेली पूजा का सामान है, जो डेली में छोटा सा मेरे पास पीतल का ग्लास है जिसमें भगवान जी को जल देती हूँ, भोग की छोटू सी कटोरी आपको दिख रही होगी, बहुत ही क्यूट सी है, और ये मेरी छोटी सी पूजा की प्यारी सी थाली जिसमें मैं डेली ये सामान लगा कर रखती हूँ। ये देखिए, ये है भोग की कटोरी छोटी सी, ये छोटा सा ग्लास, ये दीपक जलाने के लिए, ये छोटा सा लोटा है स्नान कराने के लिए भगवान को। पूजा की थाली तो हो गई है रेडी, अब बारी आती है कार्तिक पूर्णिमा के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ ना पूड़ियाँ भी बनती हैं आज के दिन, और खीर भी बनती है, और साथ में तुलसी माता के श्रृंगार का सामान भी सारा लगाया जाता है उनको सजाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है और आटे को माड़ भी लिया है। अब मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ बनाऊँगी भगवान के भोग के लिए। आप लोग के यहाँ भी मे भी ऐसे ही होता होगा, हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसे ही होता है। अगर आप लोग कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ ये पूजा की जाती है या नहीं की जाती, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना रही हूँ भगवान के भोग के लिए, तुलसी माता के भोग के लिए, और साथ ही साथ खीर भी बन रही है दूसरी तरफ। और ये मेरी पूजा की थाली मैं रेडी कर रही हूँ जिसमें मैंने पूड़ियाँ सेक के रख ली हैं, खीर अभी बनी नहीं थी तो उसको मैंने अभी नहीं रखा है। पूजा के फूल, पान के पत्ते, चूड़ियाँ, तुलसी चालीसा, दीपक जलाने के लिए दीपक, और ये जो पूजा के लिए स्नान के लिए जल, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, धूप बत्ती, हवन सामग्री, मीन्स जितना भी होता है सारा मैंने रखा है। और ये मैं अखंड ज्योति के लिए रेडी कर रही हूँ दीपक, जिसको मैं तुलसी माता पर जलाऊँगी। अखंड ज्योति का दीपक तो रेडी हो गया है, तो अभी 30 बाती जलाई जाती हैं तुलसी पूजा के दिन, तो मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूँ। आराध्या दीपक रेडी कर रही है और मैं घी गरम करके इनमें डाल रही हूँ। तो सारे दियों में घी पड़ चुका है और साथ ही साथ प्रसाद के लिए खीर भी रेडी हो गई है। यहाँ पे आराध्या, राघव और मैं
पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग गाइस बने रहिए और देखिए हम लोग किस तरह करते हैं पूजा। तो यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट और यहाँ मैं सबको लगा रही हूँ टीका और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे लूँगी सुहाग, उसके बाद प्रसाद लेके पूजा होती है हमारी समाप्त। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों की यहाँ किस तरह पूजा होती है प्लीज़, और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं भूलिएगा नहीं, मैंशन करिएगा कमेंट में। प्रसाद मैंने ले लिया है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।